उत्तर मध्य मुंबई भाजपा के कुर्ला विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 151 के अध्यक्ष नित गजेंद्र नाडार के नेतृत्व में वार्ड के कार्यकर्ता एवं स्थानीय रहवासियों विशेषकर महिलाओं को निःशुल्क द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई गई। इस दौरान वार्ड अध्यक्ष नित गजेंद्र नाडार का संबंधित विषय पर लोगों को संबोधन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। कैमरामैन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सभी को नमस्कार। आज वार्ड 151 के तरफ से सभी महिला बच्ची लोग जो 18 प्लस के हैं उनको केरला स्टोरी पिक्चर देखने के लिए हम पार्टी तरफ से लेके आए। सिर्फ ये जागरूक करना है कि जो ये स्टोरी पे जो हुआ है वो हकीकत स्टोरी है, ये जो काल्पनिक नहीं है। मैं इतना ही बच्चे से और सभी माँ बाप से विनंती करता हूँ, आपको बच्चे लोग को ये पिक्चर जरूर दिखाइए, क्योंकि जो ये हो रहा है आज अपना भारत देश में ये सब जगह पे हो रहा है, सिर्फ केरला पे नहीं हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। ये अपन को जागरूक होना चाहिए। और अपन आपको ये मालूम है भारत देश पर एक बहुत जन भारत देश का नारा लगाने पर भी पाबंदी करते हैं, वो ज़्यादा कुछ बोलते हैं। और इसके अलावा भी अपन को अपना हिंदुत्व नारा पकड़ कर चलना है, क्योंकि अपना देश हिंदुस्तान के नाम से माना जाता है, वो आपको ही मालूम है। इधर अपन हिंदुओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे। आपको ये ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं बात करना चाह रहा हूँ, मगर हर बोलने का ये मेरा फर्ज भी बनता है। आपको मालूम है कर्नाटका चुनाव पे क्या हुआ है, जो उन्होंने खुले दम से बोल रहे बजरंग दल को बंद करेगा, उनको चुना के लाते पब्लिक, उस पर हिंदू भाइयों बहनों का भी हाथ है। मैं इतना ही विनती करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। 2024 में भी बीच अपना मोदी सरकार आने चाहिए। और सभी को एक बार मैं फिर से विनती करता हूँ, बच्चे लोग को ये लव जिहाद पे मत पड़ो, अपने माँ बाप का प्यार वही सच है। जो मालूम है एक धर्म जो फैलाती है उनका बात पे आप नहीं गिरो, इस चीज़ का मैं और दोहराना चाहता हूँ। और एक बार नहीं हजार बार भी यही बोलेगा बच्चे लोग को, मेरा ये सिंसियर एडवाइस है, अपने माँ बाप का प्यार पे गिरो, बस इतना ही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नित्या भाई को, हमारे 151 वार्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज इतना अच्छा विचार किया है, सारी महिला और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के ऊपर की महिला लड़कियों को लाकर और इस पिक्चर को दिखा करके उन्होंने चाहा है कि हमारे देश की संस्कृति को जागरूक करें, हिंदू भाई आगे बढ़े और महिला इसको जरूर देखें और बच्चों तक इसका घर घर तक ये संदेश जाए कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार ना हो और हम हिंदू सब एक होकर मिलकर कार्य करें। और बहुत बहुत धन्यवाद नित्या भाई को देती हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष 151 के नित्या गजेंद्र नाडार, इनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये शो अरेंज किया, खास करके 18 प्लस लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए। तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि केरला स्टोरी, जैसे कि बहुत सारा प्रोपोगंडा इस पर हो रहा है कि ये किसी एक समुदाय के विषय में भड़काने की बात है, ऐसा कुछ है नहीं। ये डायरेक्टर ने जो ये पिक्चर डायरेक्ट किया है, ये पिक्चर बनाया है, इससे खाली समाज में एक अवेयरनेस लाने के लिए ये मूवी बनी है। तो मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी भी यंग गर्ल्स हैं और जितनी भी महिलाएँ हैं, अपने अगल बगल जो भी संशय वाली जो मूवमेंट होती है उस पर ध्यान दे। और इस पिक्चर के माध्यम से यही तरीका बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह हमारे अगल बगल रहते हुए भी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, हमारे अगल बगल ऐसे लोग हैं जो ये प्रोपोगंडा करते हैं, जो हमारे लोगों को कन्वर्जन की तरफ डालते हैं और उसके बाद फिर टेररिस्ट मूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो इस पिक्चर का सिर्फ इतना ही विषय है कि इस विषय को देखकर सभी अवेयर हों, जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, और आगे चल के ऐसी कोई भी मूवमेंट आती है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, बजरंग दल है, भारतीय जनता पार्टी है, या वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उनको संपर्क करिए अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट आपको दिखती है और अवेयर हो जाइए। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। थैंक यू नित्या भाई, आपने जो सब हमारी पूरे हिंदू धर्म की औरतें और बेटियों के लिए ये सब पिक्चर का अरेंजमेंट किया, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब हिंदुओं को, हम अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स लोगों ने अपने बच्चों को हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म क्या है, क्या हमने करना चाहिए अपने संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति का नॉलेज नहीं है बच्चों को, तो बच्चे अपने ध्यान से बिगड़ जाते हैं और दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ये लव जिहाद नहीं होना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। 151 के नित्य जी को, इन्होंने ये अपने हिंदू धर्म के बारे में बच्चों को और सबको ये दिखा के, केरला पिक्चर दिखा के बहुत एक बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। यंग जनरेशन के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट,
हमारे जैसे जो गर्ल्स है जिनको पता नहीं है क्या होता है लव जिहाद वगैरह, इसके बारे में सबको पता चलना क्या होता है एक्चुअली, हाउ मुस्लिम्स मेक अस टू बी इन देयर लव जिहाद, उन कैसे फंसाते हैं, वो सब ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, सो वी कैन स्टे अवेयर फ्रॉम दिस थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूवी देखना हमारी एज के गर्ल्स के लिए, उनको ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारी संस्कृति के उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी भी लोगों की बातों में आके अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहिए। सो वॉच दिस मूवी सीरियसली एंड गर्ल्स शुड वॉच दिस। भारत माता की जय।